हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत राहा। मैं एक मैथ ट्यूटर हूँ। आज से मैं आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे मैथ रिलेटेड। इसके पहले मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हूँ यूट्यूब में, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। तो पहले आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया, तो मैं जब मैथ पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ बच्चों को, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आता है जो बच्चों में बहुत सारा बार देखना मैं देखता हूँ। तो वो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स वो लोग करते हैं, तो उसी चीज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा मदर लैंग्वेज बंगाली है। तो हिंदी उतना मुझे फ्लुएंटली आता नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों को बोलने के लिए। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं ये वीडियो हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच सके, तो उस लोगों को बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कुछ मुझसे थोड़ा बहुत कुछ भूल हो जाता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज आप लोगों को मैं एडिशन के बारे में कुछ सिखाऊंगा। जो जिस जिस जगह में बच्चे लोग स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उस जगह को मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल का जो नाम है आप जानते हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, तो एडिशन, जो नॉर्मल जो एडिशन होता है वो तो आप सबको पता है, जैसे 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, ये सब आपको सबको पता है। तो ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा। तो फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है उसके बारे में मैं कुछ आपको सिखाऊंगा। ओके, तो देखिए एक बात जो है, हम जब एडिशन करते हैं कि 1 + 3 = क्या होता है 4, तो हम लोग कितने आसानी से इसको ऐड कर दिया, 1 + 3 = 4। लेकिन अगर जब फ्रैक्शन का एडिशन होता है, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 1/2 और एक फ्रैक्शन है 1/3, इनको हमें ऐड करना है, तो उस टाइम हमको बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। क्या करना होता है, पहले हमको ये जो नीचे का जो नंबर है 2 और 3, इन दोनों का हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम को निकालना पड़ता है। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो आप सबको पता है वो 6 होता है। तो हमको क्या करना होता है, दोनों फ्रैक्शन का जो नीचे का जो नंबर है, वो नीचे का नंबर को हमको 6 में कन्वर्ट करना है। तो हमको अगर इस 2 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना होगा, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये जो नंबर है 3, इसको अगर हम 6 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर में भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3/6 और ये हमारा आ जाएगा 2/6। ओके, अब क्या हुआ, दोनों का जो नीचे का नंबर है वो सेम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे और ऊपर में जो 3 और 2 है इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। तो देखिए एक चीज जो है, जब हम 1 + 3 को ऐड किया 4 हुआ, तो उस टाइम पे हमको ये सब क्यों नहीं करना पड़ा। देखिए एक चीज जो है, 1, ये 1 के नीचे भी एक 1 होता है, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता ही है, 1 आप लिख सकते हैं।
और इस 3 के नीचे भी एक 1 होता है। तो अभी जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे का दोनों का नंबर क्या है, 1 है, मतलब दोनों का नंबर सेम है। तो इस दोनों का नंबर को अगर सेम हो है तो इसी लॉजिक में ये अगर 1 है तो हम इसको 1 बिठा देंगे, और 1 बिठाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर में ये 1 और 3 को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 3 ऐड होके 4 बाई 1। अभी नीचे का जो 1 है इसका तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 4। तो देखिए 1 प्लस 3 जो 4 होता है वो इसी तरह से होता है, लेकिन हम इस तरह से नहीं करते हैं, डायरेक्ट 4 बिठा देता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे का जो 1 होता है इसको हम मिटा सकते हैं, इसका कुछ फायदा नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 3 को ऐड हो जाएगा और 4 आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब 1 और 3 है तो उसके नीचे जो नंबर है पहले से ही वो सेम है, 1 है, तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इस वाले शाम को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे का हमारा नंबर क्या है, अलग है, इसीलिए हमको नीचे का नंबर को सेम करना पड़ता है एडिशन के लिए, ठीक है। तो अगले बार से जब भी आप फ्रैक्शन का शाम कीजिएगा तो इसी बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ये जो हमने किया फ्रैक्शन का एडिशन, इसको हम और एक तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा दिखा देते हैं। एक ही बात है, 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को बिठाएंगे। फिर हमको क्या करना है, इस 2 को 2 से 6 को डिवाइड करना है। तो 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 से हमको क्या करना है, ऊपर का जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस साइन हमको देना है, फिर 3 से 6 को डिवाइड करना है। बहुत धीरे धीरे हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप अच्छे से समझिए। अगर किसी भी जगह पे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी कमेंट का आंसर देने के लिए। कोई भी आपको डाउट होता है मैथ रिलेटेड, किसी भी डाउट प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस शाम के रिलेटेड नहीं, कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी क्या है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ये ऊपर का जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 5/6। तो ये भी एक प्रोसेस है फ्रैक्शन का एडिशन करने का, और इसके पहले भी मैंने एक प्रोसेस सिखाया, तो दोनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस आप कर सकते हैं फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए, ओके, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेके हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये तो बहुत छोटा छोटा नंबर था, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 5/16 प्लस और एक नंबर है 3/18, ओके, इसको हमको ऐड करना है। तो पहले हमको क्या करना है, इस 16 और 18 का एलसीएम निकलना है। तो एलसीएम हम कैसे निकलते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा एलसीएम के बारे में, फिर भी मैं एलसीएम के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 से 16 को डिवाइड कर दिया, 8 हुआ, 2 से 18 को डिवाइड कर दिया, 9 हो गया। अभी 9 और 8 जो आया है इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं जिस नंबर से इस दोनों का डिवाइड होता है। तो हमको क्या करना है, अभी इस 2, 8 और 9 का मल्टीप्लाई निकलना है, ठीक है। तो 2, 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 8 हो गया 16, इंटू 9, 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 144, ओके। अभी क्या है, ये जो एलसीएम निकला ये उसको हम यहाँ पे बिठाएंगे, फिर हमको क्या करना है, इस 16 से 144 को डिवाइड करना है। तो 16 से 144 को डिवाइड करेंगे तो फिर से झमला हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, 16 से 44 को डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा एलसीएम आया है ना, यह से हम देखेंगे 16 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। तो देखिए ये 2 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 16 आता है,
तो ये 2 और 8 को हम अगर मिटा देंगे तो हमारा बच जाएगा क्या 9। तो इसका मतलब है अगर 16 से 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। ये चीज़ आप अच्छा से दिमाग में बिठा लीजिए, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको 16 से इसको डिवाइड नहीं करना है, यह से आप ऐसे निकल सकते हैं। तो 9 आ गया हमारा डिवाइड करके, अभी 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से 5 को आप मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 9 45। अभी क्या है हमको 18 से 144 को डिवाइड करना है, तो हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, यह से हमको हम क्या करेंगे 18 मिटा देंगे। तो 18 देखिए, यह से अगर 2 और 9 ये दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आता है, तो 9 को मिटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। इसका मतलब 18 से अगर 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो अभी 8 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 8 24। अभी 45 और 24 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5 + 4 9, 6 + 4 + 2 6, 69/144। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी थोड़ा देख लेना है कि ये दो नंबर किसी नंबर से कटता है या नहीं है, अगर नहीं कटता है तो यही मेरा आंसर है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये दो जो नंबर है ये 3 से कटता है, इसको अगर 3 से कटेंगे तो आ जाएगा हमारा 23, और इसको अगर हम 3 से कटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। तो और एक बार देख लेंगे 23 और 48 को किसी से कोई किसी नंबर से कटता है या नहीं है, नहीं ये नहीं कटता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 23/48। ठीक है, तो हम दो एग्जांपल देखे आपको अच्छे से समझा दिया कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली एडिशन के साथ साथ अगर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का सेम ही रूल है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्लस के जगह में हमारा माइनस बिट जाएगा और ये दो नंबर का माइनस होगा, माइनस होकर यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही अलग अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, तो आप लोग उसको भी सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये था फ्रैक्शन का एडिशन, इसके रिलेटेड अगर कुछ भी आपको और जानने की ज़रूरत है बस जानना है तो हम आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा डेसिमल का एडिशन के बारे में थोड़ा देखते हैं, डेसिमल का एडिशन जहाँ पे बच्चों लोगों को बहुत मिस्टेक्स होता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं भूल गया, फ्रैक्शन का और एक आपको एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, मैं थोड़ा भूल गया था उसको, अभी याद आ गया। देखिए, इस टाइप का अगर आपको कोई साम है, मान लीजिए 1 + 2/5 ऐसा आपका नंबर दिया है, 1 दिया है और एक फ्रैक्शन दिया है, इसको हम कैसे करेंगे? तो हमारा जो लॉजिक है, लॉजिक एकदम सेम रहेगा, लॉजिक में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब लिख लीजिए, थोड़ा लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, इसके मतलब हम इसके नीचे मान सकते हैं और एक 1 है, 1 के नीचे एक 1, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अभी अगर हम ये 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, सबको पता है। फिर से वही सेम लॉजिक, हमको 1 से 5 को डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 से फिर इस ऊपर का नंबर जो है 1, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर हमको 5 से 5 को डिवाइड करना है, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो हमारा क्या हुआ, 7/5 हो गया ये आंसर। अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम देखते हैं इसको ऐसे करते हैं, 5 तो नीचे बिठाते हैं लेकिन ऊपर में क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये वाला जो नंबर है इसको गलत कर देता है, इसको 1 ही बिठा देता है, तो वहाँ पे आंसर आ जाता है 3/5, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो हमको ऐसे करना है, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि किसी भी कोई भी नंबर हो फ्रैक्शन का तो दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, फिर नीचे का नंबर से एक एक करके एलसीएम को डिवाइड करके ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको बिठाना है। ये लॉजिक सभी जगहों में बैठता है, ये लॉजिक आप अच्छे से दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, तो आपको फ्रैक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको आपको दिखा दिया। अभी थोड़ा डेसिमल का
डेसिमल नंबर जो होता है उसका थोड़ा एडिशन देख लेते हैं, उसमें भी बच्चे लोगों को बहुत मिस्टेक्स होता है। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 23.54 प्लस 156.231, ऐसे दो नंबर दिया है, इसको हमको सम करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है जो आपको एकदम अच्छे से दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि जब हम डेसिमल का एडिशन करेंगे तो दोनों नंबर को नीचे नीचे लिखेंगे, तो लिखने के टाइम पे ये जो डेसिमल है उसको एक ही लाइन में होना चाहिए। नंबर चाहे जहाँ पे भी बैठे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डेसिमल एक ही लाइन पे होना चाहिए, ये आप एकदम अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए क्या करते हैं हम, 23.54 लिख लिया। अभी ये जो नंबर हम इसके नीचे लिखेंगे एडिशन करने के लिए, तो इसका जो ये डेसिमल है पहले इसको इसके ठीक नीचे बिठाएंगे, इसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। तो जिंदगी में कभी भी डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन गलत नहीं होगा। फिर हम इसके अकॉर्डिंग बाकी जो अलग नंबर्स है उसको बिठा देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 आया है, इसके ऊपर में कुछ नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 के ऊपर में भी कुछ नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी आप एक 0 बैठा सकते हैं। अभी दोनों नंबर बराबर लग रहा है, अभी आप इसको ऐड कर दीजिए, 0 + 1 1 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल बैठ जाएगा, 6 + 3 9 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 1 + 0 1, तो हमारा आंसर आ गया 179.771। ठीक है, तो अगले बार से डेसिमल का जो सम होता है, जो एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेके और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर है जिसमें आपका डेसिमल नहीं है, तो मान लीजिए एक नंबर है 94, इसके साथ हमको ऐड करना है 2.35। ओके, तो ये दो नंबर हो गया, एक डेसिमल नहीं है और एक डेसिमल है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? हमने क्या बताया, डेसिमल के नीचे डेसिमल बिठाना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डेसिमल नहीं है। तो और एक चीज यहाँ पे जो नोट करने वाला बात है, जो आपको एकदम अच्छे से समझ जाना चाहिए, वो है अगर कहीं किसी भी नंबर पे डेसिमल नहीं है तो उसमें भी डेसिमल है। कहाँ पे है उस, वो जो नंबर है उसके एकदम राइट साइड में डेसिमल हमेशा होता है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लिख सकते हैं। ओके, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी नंबर हो अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो उसके एकदम राइट साइड में हम डेसिमल बैठा सकते हैं। तो हम डेसिमल हमको मिल गया, अभी हम इसको ऐड करेंगे। डेसिमल उसके पहले क्या है 4, उसके आगे क्या है 9, अभी डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल बिठाएंगे, उसके लेफ्ट साइड में क्या है 2 और यहाँ पे है 3 5 हो गया। अभी क्या करना है, जो जो जगह में खाली है वहाँ पे हमको 0 बिठा देना है, नहीं भी बिठा सकते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसको ऐड कर देंगे, 5 हो गया, 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 96.35। ठीक है, ओके, तो अगले बार से डेसिमल रिलेटेड कोई भी साम अगर एग्जाम्स में आए तो उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, और कुछ अगर प्रॉब्लम होता है आपको, और कुछ क्वेरी होता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके हम इसको डेसिमल का ये जो एडिशन है इसको कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए अभी एक नंबर दिया है 0.268 प्लस 96, ऐसा सम दिया है।
तो इसको हम ऐड करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस ही होगा, यहाँ पे 96 में डेसिमल नहीं है तो हमको क्या है, यहाँ पे डेसिमल है एकदम राइट साइड में, तो उसको बैठाना नहीं है, उसको दिमाग में रखना है। तो अभी हम इसको जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले ये वाला नंबर हम लिख दिए, फिर क्या है डेसिमल के नीचे हमको डेसिमल बिठाना है। अभी डेसिमल क्या यहाँ पे है, ये वाला डेसिमल यहाँ पे बिठ गया, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है 6 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, 9 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम 0 0 0 बिठा देंगे, यहाँ पे भी एक 0 बिठा सकते हैं। अभी इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 96.268। ओके ठीक है। अच्छा और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 2.681, उसके साथ ऐड करना है 34.92। ठीक है, तो अभी तो आप सब समझ ही गए हैं, तो आप फटक से कर लीजिए इसको। और एक बात, जब भी आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आप एक पेन और खाता ले लीजिएगा, आप साइड बाय साइड मैं जब करूँगा तो आप भी उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उसको एकदम दिमाग में सट जाएगा ठीक से, अच्छे से। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, जल्दी से करिए, मैं भी करता हूँ। तो हमारा आंसर हो गया 37.601। ठीक है, आप लोगों का आंसर, आप लोग जो किए हो तो आप लोगों का आंसर भी सही होगा, यही आया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल का एडिशन। तो डेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी सेम ही प्रोसेस होता है, जस्ट एडिशन के जगह में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं है, प्रोसेस सेम ही है। डेसिमल के नीचे हमको ठीक डेसिमल बिठाना है, बाकी एडिशन हो तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये मेरा पहला वीडियो था, तो बहुत लगता है मुझे बहुत भूल चुका है मुझसे, तो हिंदी में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है बोलने के लिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप मेरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं, और अगर गार्जियंस हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों बच्चों को स्टूडेंट्स को आप हमारा वीडियो दिखाइए। ठीक है, तो अगर उसको थोड़े से भी मदद होता है मेरे वीडियो से तो मेरा ये जो कोशिश है ये सक्सेस होगा। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, अगले दिन फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उसको एकदम लॉजिकली अच्छे से अंदर से समझेंगे, अगर जैसे ज़िंदगी में उस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत बच्चे लोग स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं, 7 क्लास में उठ गया, 9 8 में उठ गया, 9 में उठ गया, लेकिन उसको अभी भी ये सब डेसिमल्स फ्रैक्शन रिलेटेड सॉल्व करने में दिक्कत आता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ये चैनल जो स्टार्ट किया, ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है जहाँ पे उस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है उनको अच्छे से ऐसे समझा देंगे कि ज़िंदगी में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ओके थैंक यू।